নমস্কার পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্টস শেয়ার করুন আজকে কি আপডেট সনাতন সংস্কৃতি সংসদ এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কাকদ্বীপ লট নং আট মহালা উপলক্ষে শ্রী শ্রী মহাচণ্ডীযজ্ঞ সন্ত সমাজ সম্মেলন সম্বর্ধনা সনাতন সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজনীয়তা ধর্ম রক্ষার্থে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা ও সনাতনীদের দায়িত্ব পালন সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্য সন্ত সাধু সনাতন ধর্মগুরু নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণের করবেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মঠ মন্দির মিশন আশ্রম রক্ষার্থে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা ভারত সেবাশ্রম সংঘ ভারত সেবা নিয়ে সন্ত সমাজ সন্ন্যাসী একথা একসাথে একতা নিয়ে একটা আশ্রম থেকে ভারত মাতা কি জয় প্রোক্লামেশন করলেন বিশ্ব শান্তি কামনা করেন ভারত হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের নিয়ে আলোচনা করলেন বিসর্জন দেনে কে লিয়ে কোশিশ কর রহা হ্যায় মূর্তি পূজা জো বনায়েঙ্গে দশমী দো তিন রোজ কে বাদ প্রচার কর রহা হ্যায় ইসিলিয়ে সনাতন সংসদ প্রচার কর রহা হ্যায় হম লোগ লিফলেট ছাপা করকে सारे हिंदू संगठन का आदमी है प्रचार केवल लिफलेट में रहेगा कि आप लोग जगह जगह धर्म प्रचार भी करेंगे इस तरह का आवाज भी उठाएंगे सरकार की ओर आप लोग को पॉकेट से हम रुपया दे करके हमारे संस्था से रुपया दे करके हम विसर्जन कर रहे हैं इस तरफ कुछ तरफ ये रहेगा ना बंगाल में आप संवाद दीजिए हम लोग वहाँ जाएंगे जाकर के वहाँ का जो हमारा आदमी है सपोर्टर है प्रचार के लिए अभी देश के लिए होना चाहिए इसलिए स्वामी विवेकानंद इसीलिए स्वामी प्रणवानंद इसीलिए ही प्रचार किया था अभी तो हो रहा है ना आपको हमारा इंडिया में सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश उसके ऊपर गेरुआ झंडा उड़ रहा है अभी आएगा दिन आ रहे हैं अभी राजधानी बनेगा बनारस अभी हिंदू राष्ट्र घोषणा हो गई अब दो चार साल में ही होगा हिंदू तो अभी कोई धर्म के बात हिंदू बोल के तो कुछ नहीं है वही आप लाइफ जीवन चर्चा है ये हिंदू धर्म सुप्रीम कोर्ट का जो विचारपति जो राय दिया अभी पहले पार्लियामेंट में आप संख्यागरिष्ठ है राज्यसभा में है इसके बाद होना चाहिए कि स्वराष्ट्र मंत्री प्रधानमंत्री इसके बाद होना चाहिए राष्ट्रपति इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का विचारपति ये पांचों हेड जब एक हो जाए ना तब एक हाई कोर्ट में हम तैयार हो रहे हैं चार शंकराचार्य और भारत में जितना संत है संत लोग वोट करके अभी तैयार हो रहा है ये आने वाले कितने दिनों में सब हो जाए हमारा करीबी चार साल में चला है ये मोदी जी जो 26 साल में और प्रधानमंत्री जो शपथ ग्रहण करेंगे ना उसके बाद शुरू हो जाएगा बेसिकली त्रि प्रकार मंदिर का नाम खैरोवाड़ का मंदिर खैरोवाड़ किया है ब्राह्मण मनुवाद ये सब पर आघात करती है तो आपका क्या राय है ये तो पर्सनल ये है पर्सनल मतलब है वो तो ये धर्म का मतलब ये क्या बौद्ध भिक्षुक के सामने में बात बोलेंगे उठाएंगे आवाज आप लोग कि जो ब्राह्मण मनुवाद लेकर ये सब ये जो सब उठाते हैं मैं बोलूंगा हिंदू को मत हिंदू के खिलाफ आप मत बोलिए आप हिंदू है तो हिंदू के खिलाफ मत बोलिए नहीं हिंदू नहीं सनातन में ब्राह्मण भी है सभी है ब्राह्मणवाद मनुवाद मनुस्मृति ये सब को लेकर आवाज उठती है वहाँ पर और उसको आघात किया जाता है उसको बंद करने के लिए आह्वान उठता है और इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए वहाँ पर वक्तव्य रखा जाता है हमें बात लगा थैंक यू भैया निर्गुणानंद ब्रह्मचारी प्रेम मंदिर आश्रम इसरा हुगली जिला में वो अवस्थित करता हूँ आश्रम में और उस आश्रम का परिचालन विभाग में संपादक की भूमिका दायित्व लेने पर नष्ट है आज इस गंगा सागर में हम लोग संत सभा सनातन संस्कृति संस्था के आह्वान पे यहाँ पे हम लोग एकजुट हुए हैं कुछ निर्णयात्मक दिशा हम लोग देखने के लिए सनातन धर्म का प्रवाह जैसे सदियों से चल रहा है हम लोग सब सुनते हैं जानते हैं मानते हैं पूछते हैं लेकिन इस सनातन संस्कृति में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधुर मानव सृजाम्यहम् भगवान जी स्वयं गीता में ये भाषा का ये शब्द का वो व्याख्यान किया है
कि सनातन धर्म जब जब किसी भी कारण में आविलता में आ जाएंगे, जैसे कि बरसात से पहले नदियों में जैसे कि पहला जमता है और जब बरसात का तीव्र पानी का वेग से वो साफ हो जाता है, शुद्ध स्वच्छ पानी आ जाता है, उसी प्रकार धर्म में जब आविलता आके प्रवेश करता है, कोई कोई कुछ कुछ बोल देते हैं, जैसे कि स्वयं भगवान ने चतुर्थ अध्याय में ज्ञान योग में पार्थ को अर्थात अर्जुन को ये बात बोल रहे हैं कि मैंने ये जो शुद्ध ज्ञान ये पहले सूर्य को बोला था, सूर्य ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को बोला था, इक्ष्वाकु पर्याय क्रम में राजाओं को बोला था, लेकिन मैंने जो ज्ञान सूर्य को बोला था आज धरती में अवतार लेकर के मैं देख रहा हूँ, कोई भी राजा उस दिशा में हो गए और दिशा में नहीं है, इसीलिए मेरे को युद्ध करना पड़ा, इसीलिए इसके लिए मुझको महायुद्ध जैसा विश्व युद्ध जैसा एक आयोजन करना पड़ा। तो भगवान स्वयं इसका कर्तृत्व लिए और इसका अध्यक्षता किए और एक क्षत्रिय जाति में जो आविलता करके समाज में देश में राष्ट्र में चिंतन शक्ति में विचार में भविष्य प्रजन्म में जो संस्कार भीड़ अवस्था आने वाला था और कलुषित हो गया था उसका उन्होंने विनाश किया। ये उनका कर्म था, अवतार हो करके ये कर्म था। और उसके बाद भी भगवान ने तीन चार और बात बोले कि परित्राणाय साधुनाम, तो ये विनाश और ये संस्कार के बाद बचेगा क्या, तो भगवान जी ने बोला कि साधु जन का हित होना चाहिए, अर्थात परित्राण होना चाहिए साधु संतों का। साधु संत मतलब ये नहीं है कि भगवान प्रसाद बन के जो घूमते वही खाली साधु है, साधु है सत चिंतन विचारशील व्यक्ति जो राष्ट्र निर्माण जो समाज निर्माण जो मानव कल्याण के लिए सोचता है, उसके लिए काम करना चाहता है, उसके लिए भावुक होता है, उसके लिए जीता है, उसके लिए मरता है, ऐसा जो सनातनी व्यक्ति है उसको संस्कार के लिए उसको रक्षा के लिए स्वयं भगवान उसका दायित्व है। और विनाशाय च दुष्कृतम, हम लोग किसी को मारने वाले का संस्कृति में विश्वास नहीं रखते, अगर रखते तो पहले मार चुके हैं। जब नादिर शाह ने भारत आक्रमण किए हम लोग देखे हैं कि वो सोमनाथ मंदिर कितना बार उनको जब वो लूट के चले गए तो हम लोग उसको माफ कर दिए, कितने बार उसको माफ किया गया, लेकिन जब वो उनका मौका आया तो एक ही बार में वो हम लोग को मार दिया, तो राजाओं को मार दिया। तो मतलब ये है कि हम लोग क्षमा दृष्टि देता है, हम लोग धर्मों में ये बात सिखाया है कि क्षमा ही परमो धर्म, क्षमाशील होना ही परम धर्म है, लेकिन क्षमा का भाषा अगर कोई ना समझे तो उसको हम लोग आत्मताई कहते हैं। इस विषय में चर्चा हुआ कि जो आत्मताई होता है तो उसको निधन करना ही शास्त्र धर्म के हिसाब से उचित बोला बोल के माना जाएगा। इसलिए भगवान स्वयं उपस्थित होकर के वो महाविश्व युद्ध का अध्यक्षता करके अर्जुन को मोहरा बना के वो युद्ध को एक प्राप्ति के दिशा दिखाए थे सनातन धर्म की। आज जो स्थिति है इस स्थिति में भारत की जो सनातन धर्म है वो स्रोत के स्वरूप तीव्र कहीं कहीं तीव्र स्रोत हो जाता है, कभी क्षीण स्रोत हो जाता है। सारा विश्व में धर्म फैला चुका है, सारा विश्व में आज ये हिंदू धर्म के बारे में अब जैसे कि ये नेट दुनिया के माध्यम से हो, चाहे हमारा महात्मा लोग हमारा सज्जन हो हमारा धर्म का और कोई महान महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद लेके शुरू करके वर्तमान आधार से काम भी हो रहा है, क्योंकि सरकारी अनुदान से बहु जगह में भारत हम लोग पश्चिम बंगाल में इतना नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ का विचारधारा थोड़ा संस्कृति सनातन संस्कृति से विपरीत हो रहा है, लेकिन जिस जिस जगह में सनातन विचारधारा का सरकार नियुक्त तो हुए है सरकार हो रहे हैं उसमें गो संरक्षण और इसका गो संपदादि का सटीक व्यवहार, उसके लिए रिसर्च सेंटर और जो गुरुकुल प्रथा का शिक्षा व्यवस्था, उसके लिए आश्रम आश्रम में गुरुकुल का जमीन दिया जा रहा है सरकार की ओर से कि यहाँ पे प्राचीन सनातन संस्कृति से ये बच्चों को पढ़ाया जाए और इस पढ़ाने में उसको उसको जो मेधा शक्ति है उसको कैसे और डेवलप किया जाए, जो हम लोग ऋषि मुनियों से सीखते थे उसी का फिर पुनर्स्थापन के लिए बहुत बहुत आश्रम का सरकार स्वयं जमीन दे रहा है, बहुत बहुत सरकार का ये उद्योग चालू हो गया है। ये तो बहुत प्राचीन धर्म है, रामचंद्र जी के समय से भी पहले है, तो इसमें कम बेसी जुग जुग का प्रभाव से ऐसा हो सकता है।
अभी मूर्ति पूजा में कभी ऐसा आ गया और ये फिर भी एक संतों से आंदोलन होगा, सही दिशा आदमी समझेंगे, फिर हम लोग परिवर्तित कर देंगे। तो परिवर्तन जगत का नियम है। कभी भी जब मीठा फल खाते हैं तो मीठा का जो स्वाद होता है वो स्वाभाविक हो जाता है। कभी खट्टा भी खाइए, नमकीन भी खाइए, फिर आप मीठा स्वाद में पुनः आके प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो अभी जो सनातन धर्म में जो वैषम्य चल रहा है ये भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म को विचार को पहले रखे हैं। अर्थात सनातन धर्म में वेदादि ग्रंथ में लिखा हुआ है विचारा जायते ज्ञानम, और विचार कैसे होता है, जब प्रतिबंधकता नहीं आएगा तो विचार का पुष्टि नहीं होगा। तो इसीलिए प्रतिबंधकता आना भी जरूरी है और उसका सही विचार से फिर शुद्धिकरण भी जरूरी है। तो इससे हमारे नाम स्वामी पराशर रामानुज दास, अखिल भारत जय गुरु सम्प्रदाय ठाकुर ओंकारनाथ आश्रित हमारे आश्रम ये गंगा सागर आल इंडिया बेसिक आर विशेषकर हिंदू सनातन संस्कृति एक मार्गदर्शक मंडल प्रतिनिधि। सनातन संस्कृति जागरण, धर्म संस्कृति जागरण, भारतवर्ष जो सनातन संस्कृति विभिन्न शाखा एवं विभिन्न जनजागरण, हिंदू सनातन संस्कृति जनजागरण ये विशाल आयोजन करा এবং এতে বিভিন্ন পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক বিগ্রহকে নিয়ে রেখে দেওয়া হয়। বিগ্রহ নিয়ে রেখে দেয় এটা আমাদের মতের বাইরে কাজ করে যারা করে। আমরা কখনো মূর্তিকে বিসর্জন দেওয়ার জন্যই বলে থাকি, কিন্তু সেটাকে রেখে দেওয়া মানে ওই বিগ্রহর প্রতিচ্ছবিকে অপমান করা, যার জন্য আমরা যেখানে এই জিনিসগুলো দেখতে পাই তার প্রতিবাদ করি এবং সবাইকে বলে থাকি যে বিগ্রহ এরকম কখনো ঘাটের পাশে বন্ধ করে, বরং জল দরকার হলে পরে তো আমরা জলের পাইপ দিয়ে ওটাকে জলটাকে ধুয়ে দাও, বিগ্রহকে কখনো সামনে ঘাটে ঘাটে রাখা আমাদের নীতি নয়, সনাতন সংস্কৃতি। সরকারের কাছে জানিয়েছি, কিন্তু সরকার তো এটা ব্যাপারে নির্ভর নয়, এটা যা যার ব্যক্তিগত হিসাবে করে সেটা সাধু সমাজ থেকে করলে সবথেকে ভালো। স্বামী অক্ষয়ানন্দ সরস্বতী নিময়ানন্দ পরম্পরা বক্রেশ্বর ধাম হ্যাঁ সতীপী, আরে ভিন্ন বস্ত্র পরিত্যাগ করে যখন আমরা নতুন বস্ত্র পড়ি, এই আত্মা অমর, আত্মা চিত আনন্দ স্বরূপ, আত্মা কোনোদিন জলে ডোবে না, আগুনে পোড়াতে পারে না, বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না, আত্মা সবসময় বিরাজমান, কিন্তু দেহটা পরিবর্তন হয়, যেমন কাপড় পরিবর্তন করি আমরা, হ্যাঁ সেই রকম দেহটা পরিবর্তন হয়। বললাম আপনি দেখছেন কি যেটা পরিস্থিতি তো এরকম স্বাভাবিকভাবেই তো এটা যদি যায় সেটা আলাদা কথা, মানে শাশ্বত, হ্যাঁ চিরস্থায়ী যেটা ছিল সেটা, এইটা থেকেই সমস্ত ধর্ম, ধর্ম মানে যে যেটা আশ্রয় গ্রহণ করে বা যে যেটাকে ধারণ করে সেটাকেই ধর্ম বলা হয়। বললাম আগার আমি ধর্মকে কর্ম বলি, ধর্ম কর্ম আছে তাহলে কিছু ধর্ম কর্ম করতে করতেই ধর্ম হয়, ধর্মের মধ্যে কর্ম হয়। ঠিক ভারত সেবাশ্রম সংঘ সনাতন হিন্দু ধর্ম কি, ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহান প্রতিষ্ঠাতা যুগাবতার স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ, এ যুগের আচার্য, তিনি সেই ভেদ বিভক্তিবাদ একত্রিত করে আমরা যদি সকলে সমাজে রাস্তা দেখাচ্ছে, আমার এই ভারতবর্ষের আমরা দেখতে পাচ্ছি সনাতন ধর্ম হচ্ছে, তাই সনাতন ধর্ম কোনো মানে হাজার আঘাত হলেও এখনো পর্যন্ত টিকে আছে। ভারত আবার জাগবে, ভারত আবার উঠবে, ভারত আবার জগৎগুরুর আসলে উপবেশন করবে, তা আমরা তো জগৎগুরুর দেশ, কিন্তু আমরা সনাতন ধর্ম বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আমাদের মধ্যে সমস্ত শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা আজকে দুর্বল হয়ে পড়েছি। সেই দুর্বলতাটাকে, দুর্বলতাটা কি মহাপাপ স্বামী পূর্ণবানন্দজী মহারাজ বলছেন, সেই আমরা দুর্বলতাটাকে পরিত্যাগ করে আমাদের ভয়কে পরিত্যাগ করে অভি হওয়ার জন্য সমস্ত সনাতনীদের সনাতন ধর্মের গর্ব, সাধু জাতির গর্ব, ভারতবর্ষের গর্ব, বিশ্বের গর্ব, পরম পূজ্য পরশুরাম স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, এই প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ আমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই সনাতনী সমন্বয় সমিতিতে তারা এসেছেন, আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত করবে, তারা পঞ্চাশ ষাটটির মানে প্রতিষ্ঠান বা মন্দিরের প্রতিনিধিরা এসেছেন। আজকে আমরা উদ্বোধন করবো পরম পূজ্যবাদ স্বামীজি পঞ্চম, এই পাঁচজন স্বামীজি এসেছেন, পরম পূজ্যবাদ স্বামীজি সংসদীয় সংস্থাদের সভাপতি, আমাদের অনেক সদস্য বাইরে রয়েছে, আমাদের শ্রীচরণ তলে আমরা এর শুভ উদ্বোধন করবো।